तो अभी हम लोग हैं पुनलूर में, वो बस स्टैंड है जो भाई यहाँ है जस्ट सामने, अभी आपने देखा होगा वहाँ से हम लोग कुछ आइसक्रीम वगैरह खा के, वैसे शेक था वो खा के आए हैं। और अभी हम आ गए हैं सस्पेंशन ब्रिज, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है सस्पेंशन ब्रिज पुनलूर। सस्पेंशन ब्रिज पहुँच गए हैं। हाँ, सस्पेंशन ब्रिज पहुँच गए, जो कि पुनलूर में काफ़ी ज़्यादा फेमस है और समथिंग 125 साल पुराना है। और एक और बता दूंगा, ये साउथ इंडिया का एक पहला ऐसा ब्रिज था, कॉन्सेप्ट था, जो 1877 में बना था। इसमें जा सकते हैं भाई? बंद है भाई, ओ बैड लक, कोई नहीं। बट हाँ भाई, इसमें है सस्पेंशन, कुछ तो है। यहाँ पे वुडन है ना सेंटर में, ये बंद क्यों है यार? पता नहीं बंद क्यों है। 1877 बाकी जो नदी है ना यहाँ से जा रही, वो एक कलाडा रिवर, तो कलाडा रिवर यहाँ से निकली है भाई। और ये है सस्पेंशन ब्रिज। जब कभी भी अगर आप पुनलूर आओ तो जस्ट बाजू में बस स्टैंड है, उसके जस्ट बाजू में ये ब्रिज है, तो ज़रूर देखो भाई, काफ़ी पुराना ब्रिज है। और इस टाइप का ब्रिज तो मैं पहली बार देख रहा हूँ, जो कि बहुत ही पुराना है, समथिंग 125-150 साल पुराना है। और ये बाजू में जिस ब्रिज पे अभी हम लोग हैं, ये तो नया है, कंस्ट्रक्ट हुआ है, बट मैं अब नदी दिखाता हूँ। नदी पे ये ब्रिज बना हुआ है ना, ये देखो, वहाँ पे लिखा भी है 1877 1877। पानी का फ्लो तो अच्छा खासा है। तो ये तो मेन बस वगैरह जो है व्हीकल है उनकी ट्रांसपोर्ट के लिए है। ये तो अब शायद यूज में नहीं है क्योंकि बंद पड़ा है, बट एज ए टूरिज्म अट्रैक्शन है। बट वहाँ पे एक रेलवे ब्रिज भी है, वहाँ दिख रहा है, वहाँ पे पानी का फ्लो भी काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है। यार कभी मैंने सोचा नहीं था मैं यहाँ पे आऊँगा, कभी नहीं सोचा था, सच में कभी नहीं सोचा था कि मैं पुनलूर भी आऊँगा। इस जगह के बारे में मैंने सुना भी नहीं था। वो तो थैंक्स यार अभिलाष का, जो मुझे यहाँ पे लेके आया, और थैंक्स उन दोस्तों का भी, जो आगे बहुत बड़ी एक गैंग आने वाली है जिससे मैं मिलाने वाला हूँ। यहाँ पे हम लोग आए हैं अभी, जिस लोकेशन पे अभी हम लोग हैं, यहाँ से भी हमको समथिंग 5 से 6 किलोमीटर आगे जाना है, फिर उसके बाद फॉरेस्ट में जाना है, तो काफ़ी कुछ मज़ा आने वाला है। और साथ ही यार, मतलब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई कर दो, दबा दो सब्सक्राइब वाला बटन, वो लाल वाला दबा दो बिल्कुल, और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो। अच्छा है, वहाँ पे अभिलाष खड़ा है, अभिलाष भाई से पूछते हैं कैसा है। डेडन डेडन, ऊपर चल रहे पुलिस वाले, आके ना रख ले यहाँ पे, कोई नहीं, अपन इंडिया में ही है ना। हाँ भाई, अलाउड नहीं है तो नहीं जाना है। हाँ, क्या कहोगे सुंदरता को देखते हुए। भाई यहाँ से देखो कितना मस्त दिख रहा है, डीप है भाई। हाँ, कुछ गिर गया है तो मिलना तो इम्पॉसिबल है, तो आजू आजू तट भी नहीं दिख रहा है इस नदी में, तो यह तो भूल जाओ बस। ऐसे तो ज्यादातर नाले होते हैं ना जिन्हें तट नहीं होता है। ये डीप है, बहुत पुराना, जैसे लग रहा कि ये कोई पहले कोई क्रेटर होगा, और वैसे ही भाई मोटा ही खर्चा आया होगा पहले बनाने में भी। और क्या यार, तुम पहले इसे पूरा लकड़ी यूज की है। वो ब्रिज देख के यार बड़ा मज़ा आया, ऐसा लगा कि यार पुराने लोगों ने भी बहुत मेहनत करी है। हाँ, इंजीनियरिंग मार्बल्स सब कुछ इस्तेमाल किया इसने, तो ह्यूमन रेस जो है वो इम्पॉसिबल इज़ नथिंग, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। आप डीप देख लो कितना ये डीप होगा, और कैसे इसका कंस्ट्रक्शन किया होगा यार, वो काफ़ी हैवी कंस्ट्रक्शन है भाई, इतने साल से टिका हुआ है ना, मतलब तगड़ा ही है भाई। आगे भी वहाँ पे लोग बैठे हैं, तो चलते हैं और आगे, मज़ा आ गया देख के। अभी तो हम लोग यहाँ की रोडों पे भटक रहे हैं, क्योंकि जब तक वो फ्रेंड नहीं आ जाते ना, तब तक कुछ पता नहीं कि जाना कहाँ पे है। बट जो भी इस टाइप की ट्रिप करनी चाहिए, खासकर अननोन प्लेस की जहाँ के बारे में आपको कुछ नहीं पता, कोई आइटनरी नहीं है आपके पास, उससे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। साथ ही आपको नए नए प्लेस हैं, नए नए एक्सपीरियंस है जो सडनली आपको मिलते हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। तो ये मैं नेक्स्ट टाइम ट्राई करूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा। सो वैसे ये इस साइड का अपोजिट व्यू है,
अंडर कंस्ट्रक्शन इसलिए बंद कर रखा है और इसलिए खुला होता है। काम खत्म होने के बाद सवेरे 9 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक ओपन है। ओपन है और सिर्फ मंडे छोड़ करके। सुपर मंडे क्लोज रहता है। चलो अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। चलो भाई जा तो नहीं पाए बट बाहर से ब्यूटी देख के बड़ा मजा आया। गुड। खा रहे क्या? ले रही मिर्ची और ये मिर्ची और स्वीट बनाना फ्राई ना। ये पका हुआ केला है। बढ़िया चाय पी ली और साथ ही बनाना भज्जी भी खा ली। काफ़ी स्वीट थी। बनाना फ्राई बोलते हैं यहाँ पे। और भाई का फ्रेंड आने वाला है क्योंकि अब मेरा भी फ्रेंड बन जाएगा। तो वो आ रहा है हम लोगों को लेने के लिए। थैंक यू उसके लिए। जैसे वो आता है उसके साथ हम लोग जाएंगे अपनी मेन लोकेशन की तरफ। बाकी उस लोकेशन का क्या नाम है वो ही बताएगा सब कुछ। अब बस वो आ जाए भाई जल्दी से। कन्फ्यूज कर रहा था भाई। अरे भाई ये मजे ले रहा था। ये जानबूझ के मजे ले रहा था। जानबूझ के मजे ले रहा था ना। मजा ले रहा था भाई। ये आ गए। अब इन्हीं मित्र के साथ जाना है हम लोगों को। तो इनका नाम है तोतिन। अरे तोतिन का घर का नाम है। इनका नाम सुजीत है। तोते नहीं बुलाएंगे भाई। भैया मैं तो बाबा आता। मैं आता क्योंकि सोमेश ने बोला यार। वो मेरे को दिल्ली में बोला था यार। मेरे को दिल्ली में बोला कि तुम जा रहा है उधर तुमको आना पड़ेगा। हाउस वार्मिंग है। मैं बोला मैं पक्का आएगा यार। और इसका घर तो बहुत दिन से बन रहा है ना ताजमहल। आज देखेगा। तो भाई रास्ता पूछते पूछते हम लोग जा रहे हैं। इतने सालों से हम सदियाँ हो गई रास्ता ही पूछ रहे हैं। कल से जब से निकले जब से रास्ता ही पूछ रहा है। अभी मैं स्कूल बताया ना ये तोती का गांव है घर है। इनको पता ही नहीं कहाँ जाना है। ये यहाँ पे स्कूल था इनका। चूते तो नहीं बना रहा तुम उनको ना लगा। और लॉटरी देख रहा नहीं। बैड लक यार। लक ही खराब। सोचे थे बाबा लखपति हो जाएंगे मगर अपना तो किस्मत ही खराब है। नहीं है। अरे क्या सोचा था भाई 80 लाख। हाँ तो दिल के अरमा। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। हम लोगों ने सोचा था भैया केरला आए हैं 80-80 लाख मिलेंगे। नुकसान हो गया। नुकसान हो गया। ऊपर से एक को कमिटमेंट कर दी थी। उसको बोला था 5 लाख देंगे। वो बोला 50,000 दे देना भाई। हम लोगों ने बोला ठीक है भैया 50,000 दे देंगे लगवा दो। खुशी में दे देते। खुशी में ही दे देते। साला ये लॉटरी ही नहीं लगा भाई। मत लेना भैया आज से। हुआ में मत चलना तुम लोग। बिल्कुल पढ़ाई करो मेहनत करो कमाओ। ये खरीदा हम लोगों ने भावनाओं में बहके। फिर एक और आ गया बेचने के लिए। बोला भैया ले लो। हमने कहा कि भैया सवेरे ही तो ख़रीदा था और लगा नहीं। बोला अब लग जाएगा कैसे ही उसकी बात मान लें। वो चेक करके गया कि ये नहीं लगा भैया। लॉटरी और जुआ जुआ वो नहीं खेलना चाहिए। हाँ कोई नहीं मना कर रहे थे ना तुमको। फिर भी इसको रख लेते हैं जब तक फिजिकल नहीं देख लेंगे। अभी टिकट नहीं फेंक सकते। बाकी सोचा था भैया 80-80 लाख मिल जाएंगे। देखो भैया ये टिकट क्या करोगे। 40-40% कट के 60-60% ही मिलेंगे। फिर भी मोटा पड़ जाता पैसा। अच्छा खासा एक एक गाड़ी निकलवा लेते। कहाँ से हम लोग आ रहे हैं और कहाँ हैं अभी हम लोगों को खुद नहीं पता। पुनलूर आए थे इस गाड़ी में दोस्त वगैरह लेने के लिए आए थे। वो हम लोगों को यहाँ छोड़ के चले गए। अब हम दोनों यहाँ पे बैठे हैं। अब वो कहाँ गए हैं पता ही नहीं है। सुबह से नहाए भी नहीं है और कुछ खाए भी नहीं है सही से। तो भूख तो मर गई है भाई लेकिन अब सही से बदबू आने लगी है। अब तो नहाना है जाके। नहीं बसा रहे हो
हम तो बसा रहे, ये हमसे ज़्यादा बसा रहे। अब दूसरी बात, ये हमसे बेंगलोर से भाई टेंट टंगवा के लाए हैं बैग में। अब शाम के 7 बजे अब कहाँ लगाओगे टेंट? टेंट लग जाएगा, इनने बोला टेंट लगेगा भाई, टेंट लगेगा, चाहे कहीं सोए टेंट हमारा लगेगा। सो अभी वेट कर रहे हैं, जैसे ही फ्रेंड आ जाते उसके बाद उसके घर जाएंगे। उसके घर का उद्घाटन है भाई, तो जाके देखते हैं कैसा क्या है। दूसरा ये हमारा केरला में और दूसरा मलयाली कल्चर में पहली बार होगा कि घर का उद्घाटन देखें कि भाई कैसे। उद्घाटन तो शायद हो गया होगा, उद्घाटन हो गया, आज तो पार्टी है, रिसेप्शन। रिसेप्शन है आज भाई, उद्घाटन तो हो गया, फिर घर के अंदर जाएंगे, अच्छी बात है। लेकिन कभी अज्यूम नहीं किया था भाई यहाँ आते, तो काफ़ी अच्छा लगा आते। बाकी सब तो मजाक की बात थी, लॉटरी वगैरह देखेंगे एक आध बार और खरीद के लग गई तो अच्छी बात। मूड ऑफ हो गया, मूड ऑफ हो गया इनका, कोई नहीं, कल तक रिफ्रेश करके एक एक और खरीदेंगे जाते टाइम, शायद लग गई तो देख लेंगे। लेकिन अब वो नहीं खरीदेंगे जो डेली ओपन हो रही, अब खरीदेंगे 2-5-10 दिन बाद हो, जब तक पता चले कोई बोले फर्जी है। मगर फिर हम लोग का लग गया तो हमको केरला आना पड़ेगा ना कलेक्ट। अरे भैया इतना पैसा कलेक्ट करने के लिए तो केरला तो छोड़ो, हम पैदल आ जाएंगे केरला, कोई दिक्कत नहीं। सो अभी थोड़ी देर बाद निकलेंगे यहाँ से, बाकी मिलते हैं भाई। लेट जाओ भाई, थक गया यार बहुत ज़्यादा। कहाँ हो रही है? हाँ भाई थोड़ी थोड़ी देर में मैं उसी को सोमेश समझ रहा हूँ, मैंने सोचा वही सोमेश है। नाइस प्लेस, सच में नाइस नाइस। जितेंद्र, जितेंद्र भाई नाइस जगह है यार, मुझे सोचा कहाँ ही लेके जा रहे हैं। सच में यार बहुत अच्छा लगा।